अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माइजन किचन में खुश आमदीद। आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वेरी सिंपल एंड इजी रेसिपी। चलें, मार्बल केक, कप केक है ये, इसकी रेसिपी है। चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए मुझे 2 अंडे, ठीक है, 1 कप मैदा, 1/2 कप जो है चीनी है इसमें, 1/3 ऑयल, बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, ठीक है। मिक्सअप करते हैं इसको, उसके बाद मैं आपको बेक करूँगी। क्विक एंड ईजी रेसिपी है। एक बड़ा बॉल ले लिया हमने, जिसमें हम एग को बीट करेंगे। 2 एग इसमें डाले हमने, 1/2 कप शुगर है, शुगर ऐड किया, अब इसे हम बीट करेंगे। बीट हो चुका है, ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो गया है एग का। अब हम इस पे 1 टेबल स्पून जो है वनीला एसेंस डालेंगे, ठीक है, ताकि जो एग की स्मेल है वो खत्म हो जाए। ये 1 टाइम हम बीट कर देंगे इसे। इस जो मैदा है 1 कप और 1 टी स्पून जो बेकिंग पाउडर है इसके अंदर हमने इसको ऐड किया। सही, मैदा और बेकिंग पाउडर मैं पहले से छान चुकी थी। अब हम बीटर को साइड कर देंगे और जो है मैदा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। हमने मिक्स किया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैदा ऐड किया, मैदा ऐड करने के बाद हम बीटर से बीट नहीं करेंगे, सिर्फ ऑनली स्पैचुला की मदद से सिर्फ हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और इसको हम करते जाएंगे। आपका जो ऑयल है 1/3 हम इसके अंदर डाल देंगे, पूरा 1/3 डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम फोल्ड करेंगे। मैंने मिक्स कर दिया, हाथ से ज़्यादा मैंने बैटर यहाँ निकाला है वाइट, ठीक है, थोड़ा सा बैटर यहाँ निकाली, इसमें कोको पाउडर ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर है। दूसरा स्पून कोको पाउडर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर इसमें ऐड हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बैटर बहुत थिक हो गया था, इसमें 1 टेबल स्पून मैं मिल्क ऐड करूँगी। इसको मैंने मिक्स किया अच्छे तरीके से, इसको भी पाइपिंग बैग में मैं ट्रांसफ़र करूँगी। कप केक के लिए मैं ट्रे ले लिया ही हूँ, उसमें मैंने कप केक का कवर पे लगा दी है उस पर, ठीक है। ये 6 वाला ट्रे है, पहले हम मिक्सर वाइट का इसमें डालेंगे। अच्छा, पूरा फुल नहीं डालना है, स्पेस छोड़िएगा क्योंकि ब्राउन भी जाएगा इसमें। दो एग से तकरीबन जो है 8 कप केक बन जाएगा। 6 मैंने बना लिया है, 2 और मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि इसमें जगह नहीं है। अब तक मैंने वाइट बैटर डाल दिया है, अब कोई भी आप रैपिंग देखकर इसमें आप ब्राउन का मिक्सचर डाल दीजिएगा। अब मैं इसे जा रही हूँ बेक पे, ओवन पे रखने।
आप इसे चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ओवन में कर रही हूँ इसे बेक, और बेक के लिए 180 डिग्री 12 से 15 मिनट्स के लिए। चलिए बेक करती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको किस तरह बेक हुआ है, कितना सॉफ्ट बना है। हमारा मार्बल कप केक रेडी हो गया है 12 से 15 मिनट्स में, इतना बेहतरीन बेक हुआ है। मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ, ठीक है। देखिए स्टिक हमने डाला, स्टिक क्लियर आया, इसका मतलब है कि हमारा कप केक रेडी है, ठीक है। इसे मैं सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। मैंने ये ट्रे ले लिया है, सर्विंग ट्रे। देखें आप बर्थडे पार्टी में रखें, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए इस कपकेक को। मैं आपको ब्रेक करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत हार्ड हो रहा है अभी। ये देखें आप सॉफ्ट देखें, बहुत सॉफ्ट, बहुत इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। आप उसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को दीजिए, लंच बॉक्स में दीजिए, बर्थडे पार्टी में बनाएं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपीज आपसे हासिल होती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।